नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत गया से करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशोक भारती ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा गया जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। बता दें कि अशोक भारती पूर्व में भी भाजपा गया जिला अनुसूचित जाति के जिला उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके थे, लेकिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिन्होंने पुनः भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। किसी कारणवश राह भटक गए थे, हमें लगा इतना दिन में कि नहीं, अगर दलितों का मान सम्मान मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और मेरे जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा जी के नेतृत्व में गया में मैं बहुत काम कर चुका हूँ, बहुत सारी बैठक कर चुका हूँ। इसे देखते हुए पुनः हमने फैसला लिया कि नहीं, दलितों का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में उचित। जी सर, आज जिला कार्यालय में अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे सक्रिय सदस्य अशोक भारती पहले भी भाजपा में थे, कुछ दिन अलग हुए थे, लेकिन उन्हें फिर अपने घर में आपस आज हुए हैं और इन्होंने भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया है। फतुहा विधानसभा के विभिन्न भागों में भाकपा माले की ओर से आगामी 25 फरवरी को विधानसभा मार्च को लेकर नुक्कड़ नाटक आयोजन किया गया। इस दौरान फतुहा बाजार के स्टेशन रोड सहित कई जगहों पर नुक्कड़ सभा कर प्रखंड भाकपा माले के सेक्रेटरी शैलेंद्र यादव और पंकज कुमार ने लोगों से हजारों की संख्या में विधानसभा मार्च में हिस्सा लेने का आह्वान किया। और हम लोग विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे, पूरे बिहार की जनता गर्दन विभाग से कुछ करते हुए विधानसभा को घेराव करेगा। हम तमाम फतुहा के नागरिक निवेदन करते हैं, एक दिन अपना भ्रमण समय देकर अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपनी नागरिकता की रक्षा के लिए विधानसभा चले, पटना चलो। पटना बिहार पुलिस सिर्फ आम लोगों की सुरक्षा ही नहीं बल्कि जनसेवा से भी पीछे नहीं हटती है। इसका उदाहरण आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2020 में देखने को मिला। पुलिस सप्ताह जागरूकता रैली का विधिवत उद्घाटन एसपी कुमार आशीष ने किया। पुलिस सप्ताह के पहले दिन जागरूकता रैली में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों सहित शिक्षकों और आमजनों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पटना के सिटी एसपी वेस्ट ने बिहटा के एक स्कूल में छात्र छात्राओं से सीधा संवाद करते हुए मूल्यों और सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया। पटना के ग्रामीण इलाके में इस तरह का शायद यह पहला संवाद हुआ जिसमें पुलिस का कोई सीनियर ऑफिसर स्टूडेंट्स के बीच स्कूल के टीचर की तरह पैसा, सेवा या फिर मूल्य जैसे विषयों को गंभीरता से बच्चों के बीच रखा है। अखबार पढ़िए, हिंदी का अच्छा अखबार पढ़िए और अंग्रेजी का अच्छा अखबार पढ़िए, वही आपको सही खबर देगा। बैठे हुए ये जो एज है आपकी, इसी एज में आपके जो सपने हैं और जो आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व समझ रहे हो ना, पर्सनैलिटी, और जो आपका चरित्र है, चरित्र समझ रहे हो, ये तीनों चीजें जो है आपकी इसी एज में बनेगी और जो आप अब बन जाओगे उसी को आप पूरी जिंदगी भर लेके चलोगे, उसी को आप पूरी जिंदगी भर लेके चलोगे। कोई ये कहता है कि मुझे जिंदगी में जो है खूब पैसा कमाना है, वो गलत नहीं है, उसका अपना सपना है, लेकिन तरीका तरीका सही होना चाहिए। कोई कहता सिर्फ मुझे पैसा कमाना है जिंदगी भर, तरीका क्या होगा उसका? बिजनेस, वो बिजनेस करेगा। धीरू भाई अंबानी बने, मुकेश अंबानी बने, पौधा लगा और वो आम का पौधा बाद में जब बड़ा होता है तो उनके परिवार वालों को वो मैंने उस बच्ची को दे दिया जाता है दहेज के रूप में कि आप इसका इस्तेमाल करें। तो अध्यापक बहुत खुशी की बात है कि सर हमारे विद्यालय के बच्चों से समाप्त करने के लिए पटना से चलकर हमारे विद्यालय में आए हैं, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो सवाल आपके मन में उठ रहे हों, जो चीज
आगे कैसे बढ़ना है, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे। सर आईपीएस हैं, हमने कभी पढ़ाई में आप लोगों को बताया था अखिल भारतीय सेवा के बारे में, आप इत्मीनान से पूछ सकते हैं कि सर मैदान में चौके छक्के लगाते ये है पटना के सिटी एसपी पश्चिमी अशोक मिश्रा और इनका साथ दे रही थी प्रशासन एकादश टीम जिसमें बिहटा नेवरा ओपी थाना के स्टाफ और स्थानीय पत्रकार भी थे, तो वहीं दूसरी तरफ थी आम जनता की पब्लिक एकादश की टीम। मौका था पुलिस सप्ताह 2020 के तहत पुलिस पब्लिक क्रिकेट मैच का, जिसमें आम पब्लिक के साथ पुलिस वाले मैदान में खूब पसीना बहाते दिखाई दिए। भाकपा माओवादी शीर्ष नक्सली जोनल कमांडर सिद्धू कोड़ा उर्फ मुंशी को एसटीएफ पटना की विशेष टीम ने 22 फरवरी को दुमका जिले से गिरफ्तार करने के उपरांत उसके बताए गए जगहों पर अपर पुलिस अधीक्षक अभियान जमुई के नेतृत्व में एसटीएफ बलों के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। गिरफ्तार सिद्धू कोड़ा के द्वारा बताए गए दो सक्रिय सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस से लूटे हुए हथियार सहित कई सामान भी बरामद किए गए थे। लेकिन अभियान के दौरान पूछताछ में सिद्धू के चेस्ट में अचानक दर्द हुआ और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि सिद्धू कोड़ा बिहार झारखंड जोनल कमेटी का हेड था और इसने कई बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम भी दिया था। वर्षों से पुलिस के लिए यह सिरदर्द भी बना हुआ था। टीम है हमारी स्टेप की टीम है और हम लोग को सूचना आ रही थी जो यहाँ के मोस्ट वांटेड और लगभग 70 से ज्यादा नक्सली केसों में हत्या के केसेस में जो यहाँ पे वांटेड थे नक्सली सिद्धू कोड़ा, उनकी सूचना कल प्राप्त हुई कि वो दुमका शहर में वहीं पे हैं और इस संदर्भ में हमारी एसटीएफ की टीम वहाँ गई और वहाँ के दुमका पुलिस साथ मिलके वहाँ ऑपरेशन हुआ और उन्होंने इस नक्सली की गिरफ्तारी हुई वहाँ पे। बिहार राज्य संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर शिक्षकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वहीं भागलपुर शिक्षक संघ के प्रधान सचिव रामा झा सहित शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन जारी ही रहेगा जब तक हम लोगों की मांग बिहार सरकार नहीं मानती है, तब तक हम लोगों की प्रदर्शन जारी रहेगी। संपूर्ण तालाबंदी तो संपूर्ण तालाबंदी। उनका कहना है कि वेतन काट लिया जाएगा। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, बहुत देखे हैं उनका, पहले भी हम लोग बोले, अभी नारा भी लगाया, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे, कितनी लंबी जेल है तुम्हारी, देख लिया और देखेंगे। हम लोग बिहार सरकार से नहीं डरते हैं, 4.5 लाख शिक्षकों के पेट पे वो लात मारे, उनको शर्म आना चाहिए। शहनवाज जी से अभी मिलकर ज्ञापन सौंपे, क्या बोला? उनके माध्यम से बिहार सरकार को मतलब जानकारी देना चाह रहे थे, हम लोगों की मांग जल्द से पूर्ण हो, संपूर्ण तालाबंदी है। हम लोग नहीं चाहते कि तालाबंदी हो, हम लोग बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। वो बिहार सरकार आज हम लोगों की मांगों पर विचार करे, हम लोग कल तालाबंदी तोड़ देंगे। यहाँ तक चलो ठीक है, बताइए किससे मिले आज? बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा संपूर्ण बिहार में 17 फरवरी की हड़ताल इस हड़ताल के दरमियान बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस क्रम में मैंने हम लोगों ने आज जो है भागलपुर जिले से जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन दिया और माननीय शहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सरकार को आज हम लोगों ने ज्ञापन देकर के यह समझाने का प्रयास किया है कि आप हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं और हमारी मांगों को मनवा करके बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं, अन्यथा बिहार का संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो जाएगा। शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त कराने में आप अपनी अहम भूमिका निभावें, शिक्षक आपका सम्मान सदैव करता है और सदैव करता रहेगा। उधर बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बिहार पुलिस सप्ताह के तहत बसमत्ता पंचायत अंतर्गत चिंगुलिया गांव को गोद लिया। इस मौके पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां गीत नृत्य एकांकी के साथ साथ फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया। वह इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं के बीच स्कूल बैग का वितरण भी किया गया। श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे जो बेरोजगारी हटाओ यात्रा का शुभारंभ होना है पटना वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड से, उसमें हम लोग नालंदा जिला के नालंदा विधानसभा से
हजारों के संख्या में छात्र, नौजवान, बेरोजगार, मजदूर, किसान साथियों के साथ जो भी वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनके साथ हम लोग यहाँ लगभग 80-90 गाड़ी में लगभग 1000 बेरोजगार का फौज यहाँ जो है हम लोग वेटनरी कॉलेज में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ बात करें अररिया की तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के आह्वान पर भारत बंद का आयोजन किया गया, लेकिन बंदी का असर अररिया में देखने को नहीं मिला। वही सभी दुकानें भी खुली रही, यातायात का परिचालन भी सामान्य रहा। कुल मिलाकर कहे तो अररिया में बंदी बेअसर रहा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था भी पुख्ता की गई थी। कार्ल मार्क्स कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 132वीं जयंती कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर विजय कुमार मिथु ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आजीवन किसान मजदूर के उत्थान और हक की लड़ाई लड़ने का काम किया था। आज भारत के कार्ल मार्क्स कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी किसान मजदूर के मसीहा स्वामी सहजानंद सरस्वती की 132वीं जयंती कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में मनाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती आजीवन जमींदारी उन्मूलन के लिए लड़ाई लड़े और साथ ही साथ देश के किसान मजदूर के हक की लड़ाई के लिए वे हमेशा संघर्षरत रहे। स्वामी सहजानंद का दो नारा बहुत ही प्रचलित हुआ था जिसमें मुजफ्फरपुर में भारत बंद समर्थकों ने शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के भी सड़क को जाम कर अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर के गोबरसही भगवानपुर पक्की सराय के साथ कच्ची पक्की मार्ग को भी बंद कर प्रदर्शन किया गया। इस भारत बंद के समर्थन में शामिल लोगों ने नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग की है। बंद किए हुए हैं सीसीए के लिए। क्या है सीसीए? क्या होता है? क्या क्या है सीसीए? नागरिकता कानून के लिए बंद करवाए हुए हैं। बुलाया गया? देखिए, ये दलित समाज के आरक्षण पर चोट कर रही है ये मोदी सरकार, ठीक है। और हम लोग एनआरसी एनपीआर के खिलाफ है, जो सीए बिल जो पास हुआ उसके खिलाफ है, और हमारा आरक्षण का अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए हम लोग बंदी है। परेशानी हो रही है? नहीं, वैसे तो आज छुट्टी का दिन है और एम्बुलेंस हो गया, उस लोग को जगह दिया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, नहीं हिंसा कोई यहाँ पे कोई भी हिंसा आप लोग नहीं देख रहे होंगे। बस अपना अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।